हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर उठ चल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में सेबी के द्वारा इस कंपनी पे बहुत बड़ा एक एक्शन लिया गया है। तो उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि सेबी ने इसे कौन सा एक्शन लिया है जिसके कारण इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और ये कंपनी लगभग 5% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आ रही है। और अभी हाल ही में इस जेएम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जो अपना Q4 का रिजल्ट निकाल कर दिया गया था, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल जानकारी वाला एक वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको हम स्क्रीन इन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप जाके देख सकते हैं कि इस कंपनी ने अपना जो Q4 का रिजल्ट पेश किया था वो कैसा पेश करते हुए दिखाई दी थी। हालांकि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो सेबी के द्वारा जो एक्शन लिया गया है उसके बारे में पूरी डिटेल से चर्चा करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही न्यूज निकल के सामने आई और ये जो न्यूज लगातार निकल के आती हुई दिखाई दे रही है वो 20 तारीख और 21 तारीख को ये दो न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और 21 जून को भी ये कंपनी लगभग 4.5% की गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिल रही है और ये फिलहाल 83.57 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दी है। जबकि बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 2% की गिरावट दिखाई है। 1 महीने के चार्ट पैटर्न की बात तो ये कंपनी लगभग 1.5% की तेजी दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 6 महीने में इस कंपनी ने लगभग 14% का गिरावट दिखा दिया है। जबकि बात करेंगे ये टेल डेट की, तो 16% का गिरावट दिखाते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी के द्वारा लगभग 16% की तेजी दिखाई गई है। जबकि बात करेंगे आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2006 में 30.41 रुपये पे, तब से लेकर अभी तक ये 174% का ही रिटर्न निकाल दे पाई है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी निकालिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि ये जो कंपनी है लगभग 18 सालों में मात्र और मात्र 200% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है। इसलिए इस कंपनी पे विशेष तरीके से इस कंपनी के बारे में जानकारी जुटाइएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात करें इसके न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जो जेएम फाइनेंशियल जो कंपनी है उसका जो डेट सिक्योरिटी के जो पब्लिक इश्यू है उसके लीड मैनेजर के तौर पर इस कंपनी पे फिलहाल जो है रोक लगा दिया गया है और ये अब उसके मैनेजर के तौर पर काम करते हुए दिखाई नहीं देगी और इसके में सेबी ने फिलहाल कंफर्म कर दिया है। इसके बारे में यहां डिटेल से बताया जा रहा है कि जो बाजार नियामक जो कंपनी है सेबी, वो फिलहाल नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर है जिसे NDC के नाम से जाना जाता है, उसके पब्लिक इश्यू में जो अनियमितता बरती गई है उसके आधार पर जीएम जो फाइनेंस लिमिटेड है उसके 31 मार्च 2025 तक डेप्ट सिक्योरिटी इश्यू करके लीड जो मैनेजर के रूप में ये काम करते हुए दिखाई देते हैं उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। और ये जो रोक लगाई है वो इस आधार पर लगाया गया है कि सेबी ने अपने आदेश में जो मामले की जो पुष्टि की है उसमें बताया कि जो जेएम फाइनेंस लिमिटेड ने शेयर बाजारों को सूचित किया है कि सेबी ने जो आदेश स्पष्ट किया है उसमें जो जेएम फाइनेंशियल पर ये जो प्रतिबंध है वो डेट सिक्योरिटीज पब्लिक इश्यू पर ही लागू होगा। इसके अलावा जो इक्विटी जो इश्यू सहित अन्य गतिविधियों इसके दायरे में फिलहाल आते हुए नहीं दिखाई देने वाली हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो सेबी के द्वारा जो इस पर प्रतिबंध लगाया गया है NCD के आधार पे, वो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जो सिक्योरिटीज और पब्लिक इशू पर ही लागू होता हुआ दिखाई देगा। जो डेप्ट सिक्योरिटीज पब्लिक इशू है उसी पर लागू होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा इसका जो इक्विटी इशू है वो फिलहाल वैसे ही चलता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ जो अन्य गतिविधियां हैं वो भी ऐसे ही चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन मार्क जरूर निकल के सामने आता है कि आखिर ये जो कंपनी है वो ऐसा क्या काम करती है जिसके कारण ये सेबी को ऐसा एक्शन लेना पड़ा है। तो इसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल से जानकारी दी जा रही है कि जो सेबी है वो 7 मार्च को जारी अपने अंतरिम आदेश में ये कहा था कि जो NCD के पब्लिक इश्यू में संभावित जो अनियमितता देखने को मिला था उसमें जो JMFL को डेप्ट सिक्योरिटी पब्लिक इशू के लिए लीड मैनेजर के रूप में ये काम करने से रोक दिया था और जो JMFL एक लीड मैनेजर के रूप में JM समूह के अंदर खुदरा निवेशकों को और संबद्ध कंपनियों को शामिल करते हुए कथित तौर पर अनियमित व्यवहार इसके द्वारा किया गया था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि 7 मार्च को जब सेबी के द्वारा रोक लगाया गया था उसमें जो JMFL जो फाइनेंशियल कंपनी है वो फिलहाल डेप्ट सिक्योरिटी के संदर्भ में और उसके पब्लिक इश्यू के संदर्भ में कई अनियमितता बरती गई थी जिसके आधार पे ये फिलहाल 31 मार्च तक अब इसका जो पब्लिक इश्यू है डेप्ट का उसे रोकते हुए ये नजर आ रही है।
साथ ही साथ ये आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सेबी ने अपने जांच में ये पाया है कि जो जेएम समूह है और उसकी इकाइयां हैं जेएमएफएल द्वारा जो प्रतिबंधित इशू में सिक्योरिटीज के लिए आवेदन करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करती हुई ये कंपनी नजर आई थी, और ये जो प्रोत्साहित कर रही थी उसके कारण फिलहाल ये जो खुदरा निवेशक हैं को उनको महत्वपूर्ण जो एनडीसी अलॉटमेंट किए गए थे, और ये जो एनडीसी हैं वही नॉन डिबेंचर जो डेप्ट हैं उसको फिलहाल अलॉट करते हुए दिखाई दिए थे, जिसके कारण उनके लिस्टिंग के ही दिन उस दिन ये जो कंपनी है सिक्योरिटी को बेच दिया था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो जेएमएफएल जो कंपनी है उसके द्वारा रोक लगा दी गई थी कि जो खुदरा निवेशकों को फिलहाल ये एनडीसी बेचते हुए नहीं दिखाई देंगे, अलॉटमेंट करते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन इस कंपनी के द्वारा उस आदेश को दरकिनार करते हुए ये फिलहाल खुदरा निवेशकों को एनडीसी अलॉट करते हुए दिखाई दी, और उसके बाद ये फिलहाल फैसला होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि इन सिक्योरिटीज की जो प्राथमिक खरीदार जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, जिसे जेएमएफपीएल के नाम से जानी जाती है, वो ही खरीदते हुए दिखाई दी थी, और जो जेएम समूह की एक इकाई होते हुए नजर आती है। और जे एम फाइनेंशियल जो कंपनी है वो जो सिक्योरिटी खरीदते हुए नजर आई थी वो सिक्योरिटी फिलहाल आगे चल के ये घाटे में बेचते हुए नजर आई थी, जिसके बाद सेबी ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था कि जो ये जे एम एफ एल है उसके नियामक से प्रतिबंधों की ऐच्छिक कदमों की पेशकश की गई थी। अर्थात जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं वो जो फिलहाल कहा गया था कि जो भी कदम उठाए जाएं वो फिलहाल अपनी इच्छा के अनुसार कदम उठाए जाएं, ताकि ये जो इसमें अनियमितता बरती जा रही है उस पर रोक लगाई जा सके, लेकिन ये कंपनी फिलहाल नहीं मानते हुए दिखाई दी, जिसके कारण अब इस पर उसका सेबी का हंटर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब इसका जो डेप्ट सिक्योरिटीज है उस पर 31 मार्च 2025 तक बैन लगा दिया गया है। और यही कारण है कि इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और जब 21 जून को मार्केट बंद हुआ था तो इसमें 5% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी। अब हम अगर बात कर ले इसके डिलीवरी पोजीशन की, तो 21 जून को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसमें इस कंपनी में मात्र और मात्र 5 लाख शेयरों की ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें से लगभग 1,29,00,000 जो शेयर हैं डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 26% के आसपास होते हैं। जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में जैसे ही न्यूज निकल के सामने आई उसके बाद जो ट्रेडर हैं उसमें अच्छा खासा हावी होते हुए दिखाई दिए और लगातार इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए, जबकि जो इन्वेस्टर थे वो फिलहाल मात्र और मात्र 25-26% का रिटर्न निकाल के देते हुए ही डिलीवरी उठाते हुए ही नजर आए। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा ध्यान से इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है थोड़ा सा रिस्की होते हुए देखने को मिलती है। अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी के पास जो शेयर होल्डिंग पैटर्न बना हुआ है उसमें जो प्रमोटर हैं उनके पास लगभग 56.44 के आसपास शेयर होल्डिंग बना हुआ है, जो कि दिसंबर में भी 56.44 के आसपास बना हुआ था, हालांकि सितंबर 2023 में 56.47 के आसपास था, जिसमें मामूली सी गिरावट देखने को मिल रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि किसी भी कंपनी में अगर 50+ वो अगर प्रमोटर होल्डिंग होता है तो उसे अच्छा माना जाता है। फिलहाल इस कंपनी में ये जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 50+ होता हुआ दिखाई देता है, तो प्रमोटर के स्तर पे हालांकि ये कंपनी अच्छा खासा तो देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें जो पब्लिक होल्डिंग है वो फिलहाल 43.56 के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि सेबी के जो एक्शन हुआ है, भले ही इसमें सेबी के एक्शन होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके प्रमोटर होल्डिंग जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उसमें एक प्रमोटरों के पास अच्छा खासा होल्डिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि आने समय में आप देखेंगे कि जो प्रमोटर हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने कंपनी को बचाने के लिए अच्छा खासा निर्णय लेते हुए भी दिखाई दे जाए। लेकिन फिलहाल में अभी कुछ दिन हो सकता है कि इसमें गिरावट लगातार जारी रहे, क्योंकि जो ये बैन लगाया गया है वो 31 मार्च तक, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक इस पर बैन होता हुआ दिखाई देगा, और ये जो कंपनी है अपने डेप्ट सिक्योरिटीज को बेचते हुए दिखाई नहीं देने वाली है, और ये जो कंपनी है वो ये मैनेजर के तौर पर डेप्ट मैनेजर के तौर पे काम करते हुए दिखाई नहीं देने वाली है। इसलिए इस कंपनी पे थोड़ा सा नजर बना के रखिए, और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लेने का प्रयास करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।